एक नन्ना राजकुमार बन गया है सम्राट। चलिए देखते हैं राज्य को आगे बढ़ाता है या लगाता है उसकी वाट। प्लीज वेलकम कपिल सरगुन एज वेरियस कैरेक्टर्स एंड मुबीन एज सेनापति। क्या बात है, दुश्मन राज्य ने हम पे हमला कर दिया और आप यहाँ जूही चावला के साथ बैठी हुई हैं। हम भी फैन हैं इनके, मैं आपका बड़ा फैन हूँ जूही, आपकी सारी फिल्में देखता हूँ मैं। एक्चुअली ये जंग जो लगी है ना, आप ही की फिल्मों की वजह से लगी है। मैं आपकी फिल्में देखता रहा, मुझे पता नहीं चला दुश्मन हमारे महल की दीवारों पर चढ़ गया। और आप अपनी जिम्मेदारी समझा करें, अगर परमीत नहीं कहता ना, मैं आपको कभी भी महावत ना रखता अपने हाथी का। कितनी शिकायतें आ रही हैं आपकी, पता है आपको? परसों हाथी के मुंह से गन्ना छीन के खा गई। उसने आगे से मना किया, उसके पेट में इतनी जोर से मुक्का मारा, अब पता नहीं चल रहा नाभी वाला गड्ढा कौन सा है, मुक्के वाला कौन सा है। जानवर कुछ बोलते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी करो उनके साथ। परसों भी आपने हमारे घोड़े के चने खा लिए, फिर हमने गुस्से में आकर अपने रथ में से एक घोड़ा निकाला, उनकी जगह इनको लगाया। दुश्मन सेना हैरान, कहती भी कमाल का रथ है, एक घोड़ा और दूसरा लकड़ बग्गा। जूही जी, ये आपके साथ बैठी हैं, आपको बड़ी बड़ी बातें करेंगी, मैं आपकी बड़ी फैन हूँ, आप बड़ी सुंदर हैं, इनकी बातों मत आना, ये जानबूझ के बोल रही हैं ताकि जाते हुए आप 2000 कुरकुरे के पैकेट दे जाएं इनको। खाने कितनी, समझ में नहीं आ रहा, जंग लगी हुई करे तो करे क्या। मैंने फैसला किया है, मैं खुद जाके दुश्मन से लड़ूंगा, आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं विजयी होके लौटूं या फिर वीर गति को प्राप्त हूं। जिस हिसाब से मेरे को डर लग रहा है, मेरे को दूसरे के चांस ज्यादा लग रहे हैं। यलगार हो। महारानी, महारानी, महारानी कहाँ है आप? महारानी, क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रहे? महारानी, मैं एक बहुत ही दुखद समाचार लाया हूँ। क्या हुआ, हम दोनों को एक्ट अकेले करना है क्या? इतनी भी बुरी खबर नहीं है महारानी, बात यह है कि महाराज लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। क्या, नहीं, हमारे राज्य को कौन संभालेगा? महारानी आप उसकी चिंता ना करें, आपके राज्य को महाराज और आपके पुत्र महाराज चिंटू संभालेंगे। नहीं नहीं, वो बहुत छोटे हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। महाराज तो बड़े थे, उन्होंने क्या उखाड़ लिया। जाइए और शीघ्र ही राजकुमार को बुला के लाइए। जो आज्ञा महारानी। हेलो, किसी की जरूरत नहीं महाराज को बुलाने की। किसी को जरूरत नहीं है राजकुमार को बुलाने की। मैं नहीं चाहता महारानी स्टेज पे अकेली रहे और जूही चावला को कॉमेडी सर्कस पे विश्वास उठ जाए। महाराज की जय हो। तुम्हें शर्म नहीं आती, इतने बड़े आदमियों के भीख मांग रहे हो, ये क्या कर रहे हो? महाराज मैं आपको सम्मान दे रहा हूँ। ये साले कौन देता है ऐसे, ये तो लेने वाला इशारा होता है, देने वाला इशारा ऐसे होता है, ऐसे करो मेरे को। महाराज की जय हो। शर्म नहीं आती तेरे को, बच्चे को सांप दिखा रहे। ओ रानी माँ, रानी माँ के चरणों में आपके पुत्र का 5 का सिक्का गिरवा दिए, कहिए मुझे क्यों तंग किया? पुत्र, तुम्हारे पिता यानी कि महाराज युद्ध में मारे गए। कितने स्कोर से? बेटा वो क्रिकेट में नहीं हारे, युद्ध में मारे गए हैं। ओह माय गॉड, तो कल फिर मैं स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग पे किसको लेके जाऊंगा? ये क्या कह रहे हैं महाराज, आपके पिताजी मारे गए और आपको पेरेंट्स मीटिंग की पड़ी है? तो मैं क्या करूं, और बुड्ढा मैंने किसका माता था? आपको पता है कल मेरे को पता क्या कर रहे थे महाराज? मैंने कहा हमारी स्कूल की टीम जा रही है गोवा पिकनिक पे, मेरे को पता क्या कहते, कहते इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, 10-12 रशियन लड़कियां इतनी मंगवा लेते हैं। उन्होंने तुमसे ऐसा कहा? लड़कियां 2-4 कम कर लो, लेकिन कहा यही था। मेरे को बुलाया क्यों? पुत्र अब राज तिलक करो और जाओ महाराजा की गद्दी पे बैठो। मैं महाराजा बन जाऊंगा, पर मेरे को उसके क्या फायदा मिलेगा? इस राज में हर व्यक्ति आपकी बात मानेगा महाराज, तभी मैं महाराजा बन जाऊं। पुत्र उसके लिए तुम्हें टोपी उतार, टोपी उतारनी पड़ेगी, मुकुट पहनना पड़ेगा। क्यों पुत्र, राज मुकुट पहनोगे अब तुम? वो बड़ा भारी है, मैं नहीं पहनूंगा। पिताजी भी जब पहनते थे ना, गर्दन ऐसी अजय देवगन की तरह हो जाती थी, मेरे को नहीं पहनना। मैं महाराजा बन गया। हाँ ठीक है, आप बाहर जाएं, बाहर मीडिया आया हुआ है। मीडिया? हाँ, आपकी इंटरव्यू लेना चाहता है, कहते महारानी इतनी सारी लाइनें बोल कैसे ली। महाराज दुश्मन सेना ने हम पर हमला कर दिया है, हमारा सारा खजाना लूट रहे हैं। कौन है हमारा खजानची? हमारा खजानची है हमारा प्रोड्यूसर विपुल डी शाह। तो हमला फिर दुश्मन ने नहीं, कलाकारों ने मिलके किया होगा। एक काम करो, उसको फांसी दे दो। क्या बात कर रहे हैं महाराज, ये लोग उन्हें फांसी देने नहीं देंगे। क्यों, ये इतना प्यार करते हैं उसको? प्यार व्यार कुछ नहीं महाराज, इन लोगों का करोड़ों रुपए फंसा है वहाँ पर। राइट। अच्छा एक काम करो पहले। जी। कल जिस बंदे को फांसी दी थी ना, जी उसको लेकर आओ।
महाराज वो तो मर चुका है। मैंने तुम्हें उसको फांसी देने के लिए बोला, तुमने मार दिया उसको। किसी को फांसी देंगे, वो तो मरेगा ही ना। फांसी क्या होती है? ऐसे गले में रस्सी बांध के लटकाने को कहते हैं। तो वो क्या होता है? रस्सी को लेके ऐसे करते। वो क्या होता है? उसे झूला झुलाना कहते हैं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, जाने दो। कौन है? महाराज एक नर्तकी है, वो कहती कि मुझे महाराज से मिलना है, पिछले 4 दिन से आ रही है। उसको फांसी दे दो। फांसी क्यों महाराज? खुद ही तो कह रही महाराज से मिला, मारे तो ऊपर ही मिलेंगे उसको। महाराज, महाराज, महाराज की जय हो। तुम्हारी भी जय हो। मुझसे क्यों मिलना चाहती हो नर्तकी? या आपको अपना डांस दिखाना चाहती है? मेरे को क्यों डांस दिखाना चाहती है? मैं महाराज हूँ सरोज खान थोड़ी। महाराज क्या? मैं जानती हूँ कि आपको मेरा नृत्य बहुत पसंद आया। हाँ। और अब आपको वो वादा पूरा करना होगा जो आपके पिताश्री ने हमसे किया था। महाराज ने क्या वादा किया था? उन्होंने हमसे कहा था कि अगर उन्हें हमारा नृत्य पसंद आएगा तो वो हमें एक खास इनाम देंगे। आपको इनाम चाहिए? हाँ। हम आपको बड़े खास मेहमान से इनाम दिलाते हैं। ये जूही चावला, इनका बड़ा नाम है, चावला चिकन हाउस भी इनका है। महारानी इसको क्या दिया जाए? ऐसे जज बने बढ़ते, एक लाइन ही मुंह से निकल दी। आपको इसका नृत्य पसंद आया कि नहीं है? तुमने महारानी बोला तो मैं जेंडर में कंफ्यूज हो गई। मुझे तो नॉर्मली तुम लोग महाराजा बोलते हो ना। मैं बच्चा हूँ, मेरे से गलती हो जाती, क्या करूँ। तो जूही आपसे शुरुआत करते हैं। अच्छा अच्छा, कैसा लगा आपको ये एक्ट? हिलेरियस, बहुत ही मजा आया, मैं बहुत हंसी। आई रियली एंजॉय द एक्ट। थैंक यू मैम। कपिल यू आर अ सुपरस्टार। थैंक यू मैम। अर्चना, अभी जूही ने सुपरस्टार तो कहा ही है कपिल को, नॉट द फर्स्ट टाइम दैट ही इज बीन कॉल्ड अ सुपरस्टार। सरगुन, आपने जैसा पूछा आपने हमसे कि डांस कैसा था, बहुत अच्छा था, हमें बहुत हंसाया, एंड इट्स एन एंटरटेनिंग एक्ट। थैंक यू मैम। सुहेल, आज के एक्ट में इस बात की खुशी है क्या? द कंप्लीट डिपेंडेंसी वॉज नॉट ऑन कपिल। ये पहला एक्ट है क्या मुबीन? आपको मौका मिला है, सरगुन आपको मौका मिला है, सो वन एक्स्ट्रा मार्क दैट द टीम वर्क टुडे वॉज 33%. थैंक यू सुहेल। तो सुहेल, आप इस टीम को कितने पॉइंट्स देंगे? 10 पॉइंट्स फ्रॉम सुहेल। थैंक यू सुहेल भाई। 9 पॉइंट्स फ्रॉम अर्चना। तो हमारी सारी परफॉर्मेंसेस पूरी हो चुकी हैं, लेकिन जाने से पहले हम एक बार फिर जूही चावला जी का बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि चलिए मैं कृष्णा हूँ तो अब रिलीज हो रही है, 2 हफ्ते में सन ऑफ सरदार रिलीज होने वाली है, तो मैं प्रोड्यूसर से कहूंगी कि चाहे आप प्रमोशंस के लिए मुझे कहीं और भेजे ना भेजे, मुझे प्लीज कॉमेडी सर्कस में भेज दीजिए।